नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यगेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है हमेशा की तरह अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस सीरीज में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और अपनी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। ये क्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत हैं, ये लेसिथियम के प्रचुर स्रोत है, ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत है जो कोशिका उपचय के लिए आवश्यक है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट का आंसर जो है जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि जो महिला गर्भवती होती है और वो भी तिमाही में होती है तो डॉक्टर के द्वारा उसको जो है हरी सब्जियां खाने की जो है वो सलाह दी जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों में जो है वो क्या होता है, लोहा की मात्रा होती है और लोहा जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है, बराबर ना। लोहा किससे प्राप्त होता है, फॉलिक एसिड से। ओके, और लोहा क्यों, लोहे की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं लोहा धातु पाई जाती है और ये क्या करता है, अपने हीमोग्लोबिन्स को बढ़ाता है। तो महिला को सबसे ज़्यादा उस समय ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड अपना कौन बढ़ाएगा, हरी सब्जियाँ, इसलिए हरी सब्जियाँ खाने की सलाह दी जाती है और ये फॉलिक अम्ल प्रचुर होते हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस, आगे चलें हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हार्मोन्स का उदाहरण है, हार्मोन्स का उदाहरण कौन है, ऑक्सीजन, रेनिन, पेपरिन या साइटोसिन, हार्मोन्स कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ओके, हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का एग्जाम्पल कौन सा है ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आंसर दो कि हार्मोन्स का जो है वो कौन सा आंसर है, कौन सा है इसमें से, जल्दी से आंसर दो। हार्मोन्स का उदाहरण है ऑक्सीजन, रेनिन, पेपरिन या साइटोसिन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा, प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी गैस है इसलिए ये नहीं, रेनिन एक एंजाइम है, पेपरिन पेप्सिन होता है जो कि अपने आमाशय में पाया जाता है, ये भी छोटे बच्चों में पाया जाता है। साइटोसिन जो होता है वो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जो है वो कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन अगला अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो क्या होगा, मानव मूत्र का रंग पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होगा भाई, जल्दी से आंसर दो। मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है, ओके जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई क्या होगा, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। शाबाश, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है और प्यारे विद्यार्थियों यूरोक्रोम का निर्माण जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से जो है यूरोक्रोम का निर्माण होता है और यूरोक्रोम से जो है वो मानव मूत्र का हल्का पीला रंग होता है, बराबर ना, ये चीज़ ध्यान में रखनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन, इसे हम लोग वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा श्वसनीय वर्णक है। मेलानिन जो होता है वो अपने स्किन में बनता है, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, कैसे, गर्म करके, रंग करके,
या परस्पर बदल कर या कुचल कर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्या होगा कि एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। क्या होगा, आंसर भेजो भाई, आंसर भेजो। एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? गर्म करके, रंग करके, परस्पर बदल कर या कुचल कर। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? शबाश, जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा? ठीक है, यस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पदार्थ की एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था हम लोग उसको गर्म करके कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रंग करके, परस्पर बदल करके, कुचल करके, जी नहीं। आई बात समझ में ना? यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जो कि आपने दिया, बहुत सही, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन ट्रांजिशन धातु है? ट्रांजिशन धातु जो है वो कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको पहले भी जो है ये करवा चुका हूँ, पहले मैं आपको ये करवा चुका हूँ, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि जब अपना ये वीडियो ख़त्म हो तो उसके बाद में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है ना? कौन सी है इसको मैं कम से कम इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार करवा चुका हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है जब अपना ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद में कमेंट में देना है, वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर उन विद्यार्थियों के लिए जो है ऑनलाइन नहीं देख रहे, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए है ये, उस क्वेश्चन का आंसर जो है देना है, बराबर। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साबुन भी एक लवण है क्योंकि यह सार से बनता है, यह अम्ल से बनता है, यह उच्च वसा अम्लों से वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। तो बहुत अच्छा है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दीजिए, क्या होगा? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? शबाश, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा, कि साबुन भी एक लवण है क्योंकि क्या होगा, यह क्षार से बनता है, यह अम्ल से बनता है, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है होता है। वेरी गुड शबाश, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी आंसर, यानी कि उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। यस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार होगा, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? सूर्य और तारों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है भाई? विखंडन क्रिया द्वारा, संलयन क्रिया द्वारा, या दिव्य शक्ति से, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सूर्य पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि हाइड्रोजन और हीलियम, जहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो है वो कौन सा जो है अभिक्रिया हो सकती है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। शबाश,
बहुत अच्छा, सभी का आंसर राइट आ रहा है, क्या बात है। सलयन क्रिया द्वारा, वेरी गुड। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाभिक की सलयन अभिक्रिया के द्वारा, वेरी गुड सुभाष, बहुत अच्छा। ये पहले मैं कई बार करवा चुका हूँ और आपको पता ही है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सलयन अभिक्रिया होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम में जो है कौन सी अभिक्रिया होगी, तो सलयन अभिक्रिया होगी। और अगर मैं परमाणु बम में कहूँ तो कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, परमाणु बम में जो है वो विखंडन क्रिया होती है। यस ओके, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, आवेश, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स या विशिष्ट ऊष्मा। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर घंटा जो है वो किसकी इकाई होती है। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दो भाई। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई, एम्पियर घंटा जो है वो किसकी इकाई है। बहुत अच्छा शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ना तो डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स और विशेष ऊष्मा तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है अपने आवेश की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक के कारण मरीचिका की परिघटना होती है, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो भाई, क्या होगा आंसर जल्दी से क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस एक के कारण मरीचिका की घटना परिघटना होती है, मरीचिका हमने पढ़ा है था प्रकाश में, हमने जो है प्रकाश में ये पढ़ा था कि मरीचिका क्या होती है, मर्ग मरीचिका, बराबर। तो ये गर्मियों के दिनों में बनती है अमूमन, ठीक है, बाकी सर्दियों में भी जो है जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी जो है दिन के समय कहीं ना कहीं बनती है, बराबर ना। तो आप बताइए प्रकाश तरंग की कौन सी घटना से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से एक के कारण मर्ग मरीचिका की परिघटना होती है, किसके कारण, तो जल्दी से बताओ भाई। बहुत अच्छा शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की जो है हमने कहा था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है मर्ग मरीचिका, बराबर। यस, आगे चले अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है, चांदी, तांबा, सीसा और पारा। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी सोच समझ के आंसर देना है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का जो है वो सुचालक है, परंतु ऊष्मा का सबसे कम चालक है, सबसे ऊष्मा का जो है सबसे कम चालक कौन सा है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है,
जल्दी से आंसर दो भाई। चांदी, तांबा, सीसा, पारा, ये हम लोगों ने जो है जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था। मैंने ये बताया था कि देखो चांदी, तांबा, सीसा और पारा ये सभी जो है वो क्या है, धातुएं हैं। और मैंने आपको ये पहले से बता दिया था कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं अपनी आवर्त सारणी में जो है वो बाईं तरफ पाई जाती है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इसलिए वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो चांदी, तांबा, पारा और सीसा ये सभी जो है वो क्या है, अपनी धातुएं है। और इसमें से कोई एक ऐसी है जिसमें विद्युत की भी वो क्या है, कुचालक। और सीधी सी बात है, विद्युत की जब वो कुचालक होगी तो उष्मा का भी वो क्या है, लगभग कुचालक ही होगी। आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांदी की अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या है, सर्वोच्च चालक है, अपने सर्वोच्च चालक है। आई बात समझ में ना, सुचालक है या सर्वोच्च चालक है। सबसे अधिक चालकता अपने जो होती है वो चांदी में होती है, तांबा में भी होती है और पारा भी होती है, सीसा नहीं होती है। आई बात समझ? यह जो है एकमात्र ऐसी अधातु है, धातु है, यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कि क्या होती है, कुचालक होती है, जिसमें विद्युत धारा नहीं चलती है और उष्मा भी उसमें सबसे कम जो है चालकता प्रदर्शित होती है। बराबर? यस। आगे चले प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? बहुत अच्छा, ये भी मैं पहले जो है बता चुका हूँ, कल परसों अपना ये क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? सबास, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सबास, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत अच्छा सबास, वेरी गुड भाई, एस्बेस्टोस नहीं होगा, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, हम लोग ये देखते हैं अभ्रक, सबका आंसर लगभग सही आंसर आया है अभ्रक। प्यारे विद्यार्थियों, अभ्रक जिसे हम लोग जो है माइका के नाम से भी जो है वो जानते हैं, आई बात समझ? ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ये ध्यान में रखना। लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन आपको बताइए अभ्रक का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? अभ्रक जैसे कि अपने खंभे होते हैं, खंभों के ऊपर ये छोटी छोटी जो लगी होती है ना, उसे वो उसे हम लोग क्या, वो किसकी बनी होती है, तो वो अभ्रक की बनी होती है, ये चीज ध्यान में रखना। विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, ये इस बात का ध्यान में रखना, इसे माइका के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिकल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक अवशोषण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्वन घूर्णन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अपना है कि फाइबर ऑप्टिकल जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिकल, बहुत अच्छा सबास। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मर्ग मरीचिका, यानी मरीचिका और मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या बता सकते हो वो क्या है? यस, गलती से भी आंसर मत देना, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक अवशोषण है और एक हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो कौन सा आंसर राइट होगा भाई? वेरी गुड सुभाष, बहुत अच्छा।
आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बराबर, यस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तरंग की इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बराबर, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके हाँ भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। 13 में अपने जो 12 नंबर है ना उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, अवशोषण नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, राइट है ना। यस, एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहां पर है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, कहां पर होगी एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहां पर है। क्या बात है, सी आंसर आ रहा है, हाँ अधिकतर का सी आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर भेजो भाई, क्या होगा। शाबाश, तो एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन जो है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, यानी कि कवालूर, वेरी गुड शाबाश, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओके यस। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी क्या है भाई, मैक्सिमम दूरी तो आपको पता है वो क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है, यानी कि अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम दूरी बताना है कि न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होती है। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, कितना होगा न्यूनतम दूरी, कितनी होगी, जल्दी से आंसर दो भाई। शाबाश, यस, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो है वो दूरी क्या है, 25 mm, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या इनमें से कोई नहीं, तो न्यूनतम दूरी कितनी है भाई। अधिकतम तो हम लोग कहते हैं वो मैक्सिमम है, इन्फिनिटिव है, हम यहाँ से तारों को भी देख सकते हैं, भले ही वो छोटे आकार में दिखाई दे, रात्रि में दिखाई दे, आई बात समय हम लोग चांद को भी दे सकते हैं, यानी कि देखने की इन्फिनिटिव है, लेकिन इतनी कौन सी दूरी जिसके बाद में हम लोग सही स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, आई बात समय वो कौन सी डिस्टेंस है, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा। यस, बहुत अच्छा, यानी कि 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आगे चलते हैं, और आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस जो है वो अपना इस प्रकार से है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जल अपघटे, रोगाणुनाशक या उर्णीकारक या अवक्षेपक, तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, जल अपघटक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, या उर्णीकारक के रूप में, या अवक्षेपक के रूप में, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा। यस
यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल उपचार में हम लोग पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग जो है ये किस रूप में होता है ये चीज बताती है। बाकी जल उपचार आपको बताइए, जल का शुद्धिकरण हम लोग तीन रासायनिक विधियों से करते हैं। एक हमारे पास में आती है लाल दवा के एमएनओ फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लोग लाल दवा भी कहते हैं। एक हमारे पास में फिटिग्री, जिसे हम लोग पोटाश एलम भी कहते हैं। और एक होता है क्लोरीन, जिसे क्लोरीजन भी हम लोग कहते हैं, क्लोरीनन। उसके द्वारा भी हम लोग जो है जल को शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जल के उपचार में पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, रोगाणुनाशक, ये इसके रूप में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे फिनिश करेंगे और अपने आज की क्लास के जो 15 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, राइट है ना। और जो आपने अगर नहीं समझ में आया उसको एक दो बार वापस देखोगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।